जब तक आपको भारत रत्न नहीं मिलता है तब तक हम लोग का आंदोलन शुरू रहेगा, हम लोग आंदोलन भी कीजिएगा, हाँ दिल्ली तक करेंगे। श्री कृष्ण बाबू भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जमींदार होते हुए भी जमींदारी प्रथा को खत्म किया। गरीबों का मसीहा था, सब जाति को अधिकार दिलाए। हमारे श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा। आधुनिक बिहार का निर्माता थे और इनको हर हालत में मिलना चाहिए, ईमानदार कर्मठ। श्री कृष्ण प्रसाद सिंह जो कि बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उनको लेकर उनके गांव से, पैतृक गांव से ये पदयात्रा निकाली गई। आप सीधे तस्वीर देख सकते हैं और श्री बाबू को भारत रत्न मिले ये इनकी मांगे हैं। और साफ तौर पर इनका कहना है बिहार आधुनिक विकास, आधुनिक बिहार के जो निर्माता हैं उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए। हम बातचीत करते हैं एक एक करके। क्या चीज़ आप लोग सत्ताधारी भी आए हैं? श्री बाबू का थी भारत रत्न दिलाने के लिए बिहार का मुख्यमंत्री संघर्ष, अंग्रेजों से संघर्ष करके भारत को आजाद किया और उसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री बने। हाँ, गरीबों का मसीहा था, सब जाति को अधिकार दिलाए। देवघर में बैगवाड और हरिजन को हेलने लिए नहीं मिलता था, वहाँ जा करके वो अधिकार दिलाए श्री बाबू। हाँ, वे गरीबों का मसीहा है। हम लोग श्री बाबू के गाँव भर में हम और से यात्रा करके आ रहे हैं। क्या कुछ मांगे आप लोग? हाँ, राष्ट्रपति भारत रत्न मिलना चाहिए, हमारे श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। सभी बहुत सारे लोगों को मिला है लेकिन हमारे श्री बाबू को नहीं मिला। क्या कुछ मांग है? कितने कितने दिनों से आप चल के आ रहे हैं श्री बाबू के पैतृक गांव से? जी, माउंट से 21 अक्टूबर को हम जयंती मनाई गई, उसके बाद हम लोग संकल्पित पद यात्रा पर निकले हैं और आज पटना पहुंच चुके हैं। और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन सौंपा जाएगा कि श्री बाबू को भारत रत्न की उपाधि से नवाजा जाए। देखिए और भी लोग हैं, बातचीत करते हैं। क्या मांगे आप लोगों की? हम लोग का जो पदयात्रा है श्री बाबू को भारत दिलाने के लिए, हाँ माउर से चलते पूर्ण हाउ तक जाएंगे। इनको बहुत पहले मिलना चाहिए, इनके ऐसा कर्मठ चीफ मिनिस्टर यहाँ नहीं हुआ जो इस स्टेट के लिए आधुनिक बिहार का निर्माता थे। और इनको हर हालत में मिलना चाहिए, ईमानदार कर्मठ जिसने ये चीज का निर्माण किया, जिसने बोकारो में स्टील हाउस का किया, उसके बाद उन्होंने बेगूसराय का जो फर्टिलाइजर है, रिफाइनरी है, सब उन्हीं के समय का, नया अभी कुछ नहीं बना है। तो हम लोग यही आग्रह करें हमारे प्रधानमंत्री जो करिश्माई व्यक्ति हैं उनको हर हालत में श्री बाबू को भारत रत्न मिले। देखिए श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए ये मांगे हैं। श्री बाबू के गांव से, माओ गांव से ये यात्रा जो पदयात्रा है ये इन लोगों ने निकाली है। इन लोगों का साथ में कहना है कि श्री बाबू को भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्योंकि जो भी बरौनी में आप रिफाइनरी देख रहे हैं, जितनी भी कंपनियाँ हैं बिहार में, जो आधुनिक बिहार का जो विकास जो किया है वो श्री बाबू ने किया है। ये तमाम लोग यहाँ पे ये पदयात्रा करके उनके पैतृक गांव से आए हैं और बीजेपी कार्यालय ठीक होते हुए ये पटना पहुँच चुके हैं और आज जो है राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। क्या कुछ मांग है? क्या कुछ मांग है? कहाँ से आए आप? हम लोगों का घर गाँव माउ से बार बिखा से पैदल यात्रा सोमवार से करके हम लोग पटना आज आए हैं। जब तक आपको भारत रत्न नहीं मिलता है तब तक हम लोग का आंदोलन शुरू रहेगा, हम लोग आंदोलन भी कीजिएगा, हाँ दिल्ली तक करेंगे। हाँ, इनको कभी भारत रत्न मिल जाना चाहिए। जितना किए हैं बिहार के विकास में उतना कोई नहीं अभी तक किया। इनको अनदेखा, इनको अनदेखा किया गया, अनदेखा किया गया। इनको भारत रत्न कभी मिल जाना चाहिए था जो अभी तक नहीं मिला है। यानी भारत रत्न मिलना चाहिए श्री बाबू को, आप लोगों की मांग है। हाँ, अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं राज्यपाल से मिलने, ज्ञापन सौंपने के लिए। ज्ञापन सौंपने के लिए। देखिए ये तमाम तस्वीरें आप सीधे तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तस्वीर, ये लोग यहाँ पटना में पहुँच चुके हैं और ये जो ये लोगों का मांग है श्री बाबू को, जो श्री कृष्ण सिंह जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे, उनको भारत रत्न देने की मांग इन लोगों की तरफ से की जा रही है। ये तस्वीर हम बिहार की राजधानी पटना की आपको दिखा रहे हैं।
कई लोग हैं जो कि पद यात्रा करके यहाँ पहुँचे हुए हैं और सीधे तौर पर यहाँ पहुँचे हुए, क्या कुछ मांगे, कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग वैशाली जिला से हैं और यहाँ श्री कृष्ण बाबू के भारत रत्न दिलाने में पूरे बिहार से लोग एकजुट हुए हैं और हमारी मांग है कि श्री कृष्ण बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। श्री कृष्ण बाबू भारत के एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जमींदार होते हुए भी जमींदारी प्रथा को खत्म किया और जितने भी गरीब लोग हैं उनको बसाने का काम किया। श्री कृष्ण बाबू और जितने भी दलित थे उनको देवघर में नहीं जाने दिया जाता था और उनको दलित सबको देवघर में जाने का प्रवेश दिलाया श्री कृष्ण बाबू, हक दिलाया और श्री कृष्ण बाबू ने बेगूसराय और जितने भी कारखाना है औद्योगिक क्रांति जो आया बिहार में, बिहार को सोने की चिड़िया कहा जाता है, श्री कृष्ण बाबू का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा। देखिए और भी लोग हैं, क्या कहा, कहाँ से आ रहे हैं? मौर भर बीघा से आ रहे हैं, पैदल पाँव कहे आए आए हैं। श्री बाबू प्रथम मुख्यमंत्री बिहार का, उनको आज तक कुछ रत्न नहीं मिला, भारत रत्न के मांग के लिए मैं आया। गोड़ में घाव हो गया, गोड़ में घाव हो गया, धोपा बरसात पानी सब बर्दाश्त करके आ रहे हैं, 5 दिन से आ रहे हैं, 5 रोज से लगातार पैदल चलते हैं, 5 दिन से आ रहे हैं। देखिए श्री बाबू जो कि बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, जिन्होंने इन्होंने कहा कि बिहार का जो आधुनिक विकास है उन्होंने किया था, कई कंपनियां कई फैक्ट्रियां यहां पे लगाई थी और जो अति पिछड़ा जो थे देवघर में प्रवेश उनकी नहीं थी, लेकिन उन्होंने अति पिछड़ा को देवघर मंदिर में प्रवेश करने की हक दिलाई और वो खुद जिम्मेदार थे लेकिन जिम्मेदारी प्रथा को उन्होंने ख़त्म कराई। लेकिन श्री बाबू का जो हक है भारत रत्न मिलना चाहिए उनको वो नहीं मिला, वो सम्मान नहीं मिला। वहाँ से जो श्री बाबू के जो गांव है मऊ, वहाँ से लोग पदयात्रा करके बिहार की राजधानी पटना पहुँचे, राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे कि श्री बाबू को भारत रत्न मिलना चाहिए। आगे इन्होंने ये भी कहा कि अगर श्री बाबू को भारत रत्न जब तक नहीं मिलेगा हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। बहरहाल इस क्रम में इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।